जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। व्यापारी को पत्र भेजकर मांगी 11 लाख रुपए की फिरौती। विद्याधर नगर थाना इलाके की ये पूरी घटना है। पीड़ित व्यापारी ने विद्याधर नगर थाना पुलिस को दी है सूचना। व्यापारी के निवास पर आया था एक पीले रंग का लिफाफा। लिफाफे में एक पत्र पर अंग्रेजी में लिखा गया था, 11 लाख रुपए लेकर रात 8 बजे पीएस पैराडाइज पहुंचो। पुलिस को जानकारी देने पर जान से मारने की लिखी थी बात। अब विद्याधर नगर थाना प्रभारी वीरेंद्र कुरील कर रहे हैं इस पूरे मामले की जांच। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, क्या कुछ जानकारी लग पाई कि ये पत्र किसने लिखा था, किस माध्यम से पत्र यहां तक पहुंचा? देखिए, जो व्यापारी है उसकी विश्वकर्मा थाना इलाके में फैक्ट्री है, 3-4 फैक्ट्रियों का मालिक है और काफी पैसे वाले व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है। ऐसे में एक व्यक्ति, हालांकि कोई लिखा नहीं, लेकिन उनसे जो लेटर बॉक्स होता है उसके अंदर वो पत्र मिला। जब पत्र खोला गया तो उसके अंदर अंग्रेजी के अंदर 3-4 लाइन की लाइन लिखी थी। उसमें साफ लिखा होता की शाम को 8 बजे तक पीएस पैराडाइज 11 लाख रुपए भरा पैसे तक पहुंच जाओ और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको और आपके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। डरे समय व्यापारी ने तुरंत थाने जाकर मामला दर्ज कराया है। अब मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है। जो वहाँ उसके निवास के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन कैमरों की फुटेज निकाली जा रही है कि जो आरोपी है, जिसने पकड़ा डाला है, उसको गिरफ्तार किया जा सके और व्यापारी को सुरक्षा के लिए सुरक्षा मुहैया कराने के भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि उसको नुकसान न पहुंचे। फिलहाल पुलिस की फुटेज के आधार पर जो आरोपी है उसकी तलाश कर रही है। सत्यनारायण, पीड़ित की सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम किए गए, इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। तो वहीं दूसरी ओर जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती है तो दो एंगल होते हैं। पहले तो ये कि या तो कोई रिश्तेदार या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो उन्हीं के साथ काम कर रहा हो वो इस तरीके की धमकियां देता है, या फिर कोई बड़ा गैंग या कोई बड़ा सरगना जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है। तो इसको लेकर क्या इनपुट पुलिस के पास फिलहाल? बिल्कुल, देखिए दोनों ही एंगलों पर पुलिस काम कर रही है। एक तो उसके परिवार में कौन कौन व्यक्ति है जिससे कि उनकी बनती नहीं हो, जिससे कि बात नहीं हो रही हो, उस एंगल पर काम कर रही है और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कौन से भी गैंग है जो व्यापारी के संपर्क में थी या फिर पिछले कुछ दिनों से व्यापारी की रेखी कर रही थी। ऐसे में दोनों ही एंगलों पर पुलिस की टीमें गठित होने के बाद में काम कर रही है। दूसरे जो व्यापारी की सुरक्षा का उसको सिविल ड्रेस में उसके साथ में पुलिस कॉन्स्टेबल लगाए गए हैं और कभी पुलिस कॉन्स्टेबल लगाए गए हैं जिससे कि व्यापारियों को नुकसान ना पहुंचे। हालांकि पुलिस का आला अधिकारी मानने की जो मामला हुआ है इस मामले का जल्दी पर्दाफाश कर दिया जाएगा, लेकिन करीबन 20 से अधिक जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी फुटेज ली जा रही है और तुरंत प्रवासियों को संगाला जा रहा है जिससे कि जो आरोपियों को ट्रैक कर सके और भी समय रहते गिरफ्तार किया जा सके। जी सत्यनारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पूरी जानकारी के लिए।